पिछले एपिसोड में एक धमाके के साथ वहाँ पर कुछ जूनियन और एक कुछ जूनियन भी आ जाते हैं और उनमें से एक जूनियन कहता है कि जूनियन एग्जाम शुरू करने का वक्त आ गया। मैं अभी के मोरेनो तुम्हारा एग्जामिनर और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन अभी के लिए। हे तुम सब साउंड विलेज के निंजा, तुमसे किसने कहा तुम यहाँ पर लड़ सकते हो? क्या तुम सब एग्जाम शुरू होने से पहले फेल होना चाहते हो? जिसमें वो कहता है हमें माफ कर दीजिए, ये हमारा पहली बार है, हम आगे से कुछ नहीं करेंगे सर। जिसमें मोरेनो कहता है अच्छी बात है, मैं सिर्फ एक बार कहूंगा, सुनो कैंडिडेट्स के बीच में कोई लड़ाई नहीं होगी, बिना मेरी परमिशन के एक दूसरे पर हमला करना मना है, और एक बार जो कोई भी मुझसे बहस करेगा वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो समझ में आ गया सबको? ईवीके मोरेनो की बात सुनकर सब लोग एकदम शांत हो जाते हैं। फिर वो फिर से कहते हैं तो अब हम जूनियन एग्जाम का पहला भाग शुरू करते हैं, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म दो और तुम सबको उसके बदले में एक नंबर मिलेगा। यह नंबर तय करेगा कि तुम लोग कहां पर बैठोगे और सबके बैठने के बाद शुरू होगा तुम्हारा रिटन टेस्ट। जिसमें ने उनको पूछा है उन्होंने अभी क्या कहा, रिटन टेस्ट? और फिर जब वो बंदा पेपर्स लेकर अंदर आता है जो देखकर नारुतो के एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे हो जाते हैं और कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो सचमुच का पेपर टेस्ट होने वाला है। उसके बाद सभी कैंडिडेट्स उनके मिले जगह पर बैठ जाते हैं। नारुतो के लिए ये टेस्ट सबसे बड़ी मुश्किल है क्योंकि वो इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नारुतो ने आज तक ऐसा एक भी एग्जाम पास नहीं किया। फिर हम साकुरा को देखते हैं जो रिटन टेस्ट को लेकर काफी कॉन्फिडेंस होती है और नारुतो अपनी साइड में देखता है कि उसके साइड में हिनाता बैठी होती है और वो अपने मन में सोचता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब बात है, हिनाता मेरे साइड में बैठी है और मुझे पता ही नहीं चला। फिर हिनाता नारुतो को कहती है बेस्ट ऑफ लक। तभी ईवीके मोरेनो इस एग्जाम के कुछ रूल्स समझाने लग जाते हैं। रिटन टेस्ट शुरू करने से पहले तुम लोगों को कुछ रूल्स जानने होंगे और मैं किसी के सवालों का जवाब नहीं देने वाला, इसलिए ध्यान से सुनो। पहला रूल है इस रिटन टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग जरूर होगी, तुम्हारे टेस्ट में पूरे 10 क्वेश्चंस होंगे। दूसरा रूल, टीम टोटल मेंबर्स के स्कोर पर पास या फेल होगी, यानी कि तुम्हारे स्कोर टीम के हिसाब से दिए जाएंगे। इस रूल को सुनने के बाद सभी लोग चौंक जाते हैं, खासकर की साकुरा, और वो सोचती है कि मुझे सास्के पर पूरा यकीन है कि वो पास कर लेगा लेकिन नारुतो आधा नंबर भी शायद नहीं कर पाएगा। फिर मोरेनो कहते हैं तीसरा रूल है तुम्हारे साइड में जो लोग बैठे हैं वो ऑफिशियली जूनियन है, कहीं तुम चीटिंग ना करो इसलिए वो तुम्हें ध्यान से देखेंगे और जितनी बार वो तुम्हें पकड़ेंगे उतनी बार वो तुम्हारे पॉइंट्स घटा देंगे, इसलिए चेतावनी देता हूँ उनकी आंखें बड़ी तेज हैं। अगर तो उन्होंने तुम्हें 5 बार पकड़ा तो उसी वक्त तुम और तुम्हारी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर तुम सही मायनों में निंजा बनना चाहते हो तो हमें दिखाओ कि तुम कैसे इसे कर सकते हो। एक और बात, अगर किसी भी कैंडिडेट को 0 मिला और वो फेल हो गया तो उसकी पूरी टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सुनकर सास्के और साकुरा बिल्कुल चौंक जाते हैं और नारुतो बिल्कुल पागल हो जाता है। वो सोचता है अगर मुझे गलती से भी 0 मिल गया तो वो दोनों मुझे मार डालेंगे। तभी ईवीके मोरेनो छोटे रूल को समझाते हैं, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, इसी समय के अंदर तुम्हें 10 क्वेश्चंस के आंसर अपने पेपर पर लिखने हैं, लेकिन आखिरी 10वां सवाल तुम्हारे एग्जाम शुरू होने के 50 मिनट बाद तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हारा समय शुरू होता है अब। टाइम शुरू होते ही सभी कैंडिडेट अपने सवालों को देखने लग जाते हैं। रिटन टेस्ट की बात की जाए तो साकुरा इसमें थोड़ी माहिर है, लेकिन माहिर होने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं क्योंकि अगर यहाँ नारुतो फेल हो गया तो साकुरा और सास्के के भी नंबर मिलाकर वो फेल हो जाएंगे। तो इस बात की चिंता उन तीनों को हो रही होती है, खासकर नारुतो को। तभी नारुतो अपने सिर पर हाथ रखकर सोचता है कि पता नहीं मैं इतना टेंशन क्यों ले रहा हूँ, ये तो सिर्फ एक टेस्ट है, मैंने तो इससे भी मुश्किल चीजें की हैं, मुझे बस रिलैक्स होकर आराम से पेपर को पूरा करना है, बस ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़के उनके आंसर्स लिखने हैं। सिंपल, तो ठीक है पहला क्वेश्चन देखते हैं, चलो जाने दो इसे रहने देते हैं, अगला देखते हैं, चलो चलो इसे भी जाने दो, अगला देखते हैं। अरे नहीं ये क्या है, ये सभी के सभी सवाल तो मेरी समझ के ही बाहर है, फूल जाओ इससे कम पाना मेरे लिए नामुमकिन है। ठीक है घबराओ मत, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे चीटिंग करनी पड़ेगी। नारुतो के ऐसे मुश्किल वक्त में हिनाता उसे कहती है कि नारुतो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना पेपर दिखा सकती हूँ। जिसमें नारुतो अपने मन में कहता है हैं क्या कहा इसने, हिनाता मुझे अपना पेपर दिखाना चाहती है, लेकिन क्यों, ऐसा तो नहीं ये कोई चाल हो? फिर वो कहता है हे हिनाता तुम अपना पेपर मुझे क्यों दिखाना चाहती हो? जिसमें हिनाता कहती है वो दरअसल मैं सोच रही थी कि अगर हम सब हम 9 रॉकेट्स एक साथ पास हो जाए तो कितना अच्छा। जिसमें नारुतो कहता है ओ तो ये बात है, मैं कुछ और ही सोच रहा था, वाह आज मेरा दिन ही अच्छा है, जो मेरे साइड में बैठी है वो मुझे खुद अपना पेपर दिखाने के लिए रेडी है। हिनाता अपने पेपर को नारुतो के साइड करती है, नारुतो जब उसे देखने वाला होता है तभी एक कुनाई नारुतो के साइड से पार हो जाकर उसके पीछे बैठे लड़के के पेपर पर लग जाती है और वो चुनिन कहता है कि मैंने तुम्हें 5 बार चीटिंग करते हुए देख लिया है, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारी टीम को डिस्क्वालीफाई करता हूँ, तुरंत अपने साथियों के साथ बाहर चले जाओ। और उसके ना चाहते हुए भी उसके दोस्त उसको घसीटते हुए ले जाते हैं और ये देखने के बाद नारुतो की चीटिंग करने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो जाती है, इसलिए वो हिनाता को बोलता है कि फिक्र मत करो हिनाता, मुझे पास होने के लिए कोई भी चीटिंग करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं पकड़ा गया तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई दिक्कत हो। नारुतो से ये सुनने के बाद हिनाता सोचती है कि नारुतो को मेरी परवाह है, वो नहीं चाहता कि मुझ पर कोई तकलीफ आए। जिसके बाद हम देखते हैं नारुतो रो रहा है, वो सोचता है कि अब मेरा क्या होगा। वहाँ दूसरी तरफ साकुरा सोचती है वक्त आ गया है अपना हुनर दिखा
दिखाने का, बस नेरुतो कोई गलती ना करते। ये सारे के सारे सवाल तो बिल्कुल एडवांस है, हर सवाल पहले वाले से ज्यादा मुश्किल है और नेरुतो तो ये बिल्कुल नहीं कर सकता, पर मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी। अरे जितने सवाल आए मैं इनका सही जवाब देने की कोशिश करूंगी, इसमें मैं कोई गलती नहीं करूंगी, आखिरकार मैं इसमें ही तो सबसे परफेक्ट हूँ। उसके बाद साकुरा पूरी तेजी से लिखना शुरू कर देती है, पर उनके भी पीछे बैठा सास्के सोचता है कि ये तो बहुत अजीब बात है, उन्होंने पेपर ही ऐसा बनाया है कि हम चीटिंग करने लगे। सर एक बार फिर से सवालों को देख लेता हूँ, ये तो कमाल हो गया, मैं इनमें से एक भी आंसर नहीं दे सकता, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और एक बार तो बिल्कुल नहीं। हमें जब ये चुनिन चीटिंग करते हुए पकड़ते हैं तो ये हमारे दो नंबर क्यों घटा देते हैं, ये बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है। वैसे तो कोई चीटिंग करे तो उसे तभी डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। एक मिनट, अच्छा तो ये बात है, ये सिर्फ कोई रिटन एग्जाम नहीं है बल्कि ये तो उससे कहीं ज्यादा है। असल में वो हमारे अंदर के नॉलेज को नहीं परखना चाहते बल्कि वो हमारे जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता को परखना चाहते हैं। वो हमें चीटिंग करने से रोकना नहीं चाहते, वो बल्कि चाहते हैं कि हम चीटिंग करें और पकड़े ना जाए। नेरुतो तुम ये कर सकते हो, काफी देर होने से पहले तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। वेल सास्के का अंदाजा बिल्कुल सही होता है, सभी के सभी कैंडिडेट्स में से कुछ कैंडिडेट्स अपने निजी हुनर का इस्तेमाल करके चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि की बात करो कि अकमारू कुछ कैंडिडेट्स के पेपर देखकर उनके ही लैंग्वेज में उसे आंसर बता रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनो भी अपने एक जुत्सु की मदद से साकुरा के अपने अंदर सोल डालकर उसके सभी सही जवाबों को याद करके वापस अपने शरीर में आकर उनको लिख रही है, और वैसे ही शिकमारू और शोजी के अंदर जाकर वो उनके पेपर्स को भी क्लियर कर देती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक इनो की निंजा टेक्निक है। फिलिश का सबसे ताकतवर गेनिन यानी कि नेजी भी अपने व्याकुगन की मदद से अपने आगे बढ़ते हुए कैंडिडेट के बॉडी के आर पार देखकर उसके सभी पेपर्स के आंसर्स को देख लेता है और उसको भी कॉपी करता है, और सभी की टेक्निक देखकर सास्के भी पीछे नहीं रहता, वो भी अपना शारिंगन एक्टिवेट कर लेता है और उसके बाद वो अपने आगे बैठे बंदे के हैंड मूवमेंट को कॉपी करके खुद के सारे आंसर्स लिख डालता है। ऐसे करते करते 20 मिनट बीत जाते हैं लेकिन नेरुतो ने अब तक अपने पेपर में एक भी जवाब नहीं लिखा है। नेरुतो के लिए आखिरी उम्मीद है वो 10वां सवाल। अगर नेरुतो उस 10वें सवाल को भी सही जवाब नहीं दे पाया तो पूरी की पूरी टीम 7 एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएगी।